Welcome to our channel Panacea for Competitive Examinations. Naam Shweta. So, अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो आपके TCS examinations, सारे ये सारे TCS examinations के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. So, आज है डे 45. अगर अभी तक आपने ये प्रीवियस क्लासेस जो भी हुए हैं वो देखना चाहते हो, नहीं देखे हो तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट चेकआउट करना, वहां से आपको सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे. So, चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. सो हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल माय ओन मैजगॉन. सो किसने लिखा है इस बुक को, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रमेश बाबू ने लिखा था. ओके, सो रीसेंट बुक्स जो भी है ना एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये बुक है ना, इसमें क्या लिखा गया है, मैजगॉन जो एक आइलैंड था उसके हिस्ट्री एंड स्टोरी के बारे में इस बुक में लिखा गया है रमेश बाबू के द्वारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी. सो हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव फाउंड ए प्लेस इन 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट. सो हमारे कंट्री के कितने एंटरप्राइजेस या कंपनीज जो है फॉर्च्यून 500 लिस्ट में है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 विल बी योर राइट आंसर. सो ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट क्या है, तो ये एक एनुअल रैंकिंग है 500 एंटरप्राइजेस का ग्लोबली. ओके, सो ये बिजनेस के रेवेन्यूज के अकॉर्डिंग जो है इसको ऐड किया जाता है इस लिस्ट में, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए 7 इंडियन कंपनीज जो है इस लिस्ट में है 500 में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी. सो अगेन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. देखो, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल लेपर्ड डायरीज द रोसेटी इन इंडिया. सो किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा संजय गोपी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी संजय गोपी हमारा सही आंसर हो जाएगा. तो ये कौन है, तो ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है. तो इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है. इसमें इस बुक में इन्होंने सजेशंस दिया है कि हमको कैसे ओवरकम करनी है लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स को. ओके, सो इस बुक में क्लियरली इन्होंने थोड़े सजेशंस दिया हुआ है, तो याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो द गवर्नमेंट हैज सेट अ लोन्स डिसबर्समेंट टारगेट अंडर यहाँ पे PMMY एट वॉट अमाउंट. सो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया है ना. सो PMMY का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाता है, PM यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है. ओके, सो इन्होंने कितना अमाउंट जो है सेट किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 trillions. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखना इसको कब लॉन्च किया गया है, तो April 8, 2015 में इसका लॉन्च किया गया है. सो मैं बोलती हूँ 2015 में जितने भी स्कीम्स आए हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जामिनेशन हर एक एग्जामिनेशन में मैंने ऑब्जर्व किया है, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, NTPC हो. सो बहुत सारे एग्जामिनेशन में ना 2015 में जो भी स्कीम्स आए बहुत क्वेश्चंस आए हैं. सो इस चीज़ को याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन SSC CGL और जो भी आने वाले एग्जामिनेशन में, बता रही हूँ, याद रखना. सो ये स्कीम क्या करती है ना, लोन्स प्रोवाइड करती है, अप टू 10 lakh का लोन प्रोवाइड करती है. सो किसको प्रोवाइड करती है, तो नॉन कॉर्पोरेट हो या नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनको जो है लोन प्रोवाइड करती है. ओके, सो पर इस बार ना 3 trillion कम है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, 3.21 trillion का अमाउंट जो है डिसबर्स किया गया था. ओके, याद रखो, मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं. सो हु बिकेम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होमलेन. सो कौन बन गया है होमलेन का फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MS धोनी, इंडियन क्रिकेटर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर. ओके, सॉरी फॉर्मर नहीं, इंडियन क्रिकेटर. ओके, सो अगर हम बात करते हैं होमलेन के बारे में, सो ये एक होम इंटीरियर कंपनी है. ओके, सो इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर बन गया है MS धोनी, राइट. सो नेक्स्ट देखते हैं.
So, which bank has been honored as the global winner for most innovative in digital banking? So, कौन सी बैंक को जो है अनाउंस किया है या ऑनर किया गया है इन मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंक जैसे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीबीएस विल बी योर राइट आंसर. ओके, सो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है इसका फुल फॉर्म, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर डीबीएस का फुल फॉर्म है. इसको जो है मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंक का ग्लोबल विनर जो है बताया गया है. सो किसने बताया? तो फिनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशंस के द्वारा जो है बताया गया है या रिलीज किया गया है इस ऑनर को. सो याद रख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो डेफ एक्सपो 2022 इज टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? सो कहाँ पे होने वाली है डेफ एक्सपो? सो क्या है ये डेफ एक्सपो? सो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये जो है ना एक फ्लैगशिप इवेंट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. अगर हम बात करते हैं हु इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, तो कौन है? राजनाथ सिंह है. और यहाँ पे इस एग्जीबिशन में, तो ये बेसिकली एक एग्जीबिशन है, एक्सपो बोले तो एग्जीबिशन ही है ना. सो यहाँ पे हमारे कंट्री के जो भी नेवल एंड इंटरनल, ओके, इंटरनल होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम एग्जीबिशन कह सकते हैं इसको. ओके, सो जो भी हमारे नावल एंड इंटरनल होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम है उसके एग्जीबिशन यहाँ पे एग्जिबिट किए जाएंगे. और ये यहाँ पे गुजरात में होने वाला है. ऑप्शन नंबर बी, गुजरात विल बी योर राइट आंसर. गुजरात के गांधीनगर में यहाँ पे होगा. ओके, गांधीनगर में होगा और मार्च 11 से मार्च 13, 2022 में होने वाला है. अगर हम बात करते हैं 2021 का, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में ये हुआ था. ओके, सो अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर की भी बात कर लेंगे. कौन है चीफ मिनिस्टर? विजय रूपानी है. अगर गवर्नर की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत इज राइट नाउ कौन है गवर्नर. अगर हम लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो लोकसभा में 26, राज्यसभा में है 11 सीट्स, राइट. सो इतनी सी चीजें याद रख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्पेस एजेंसी लॉन्च यूटेलसैट क्वांटम इनटू स्पेस? सो किसने जो है यूटेलसैट क्वांटम जो है लॉन्च किया गया है स्पेस में? तो कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा? सो हमारे बी सी डी तो बी एंड डी तो इंडियन है, सी तो अमेरिकन है. सो इन लोगों ने नहीं किया है तो आंसर आंसर आपका ई एस ए हो जाएगा. सो ई एस ए क्या है ये फुल फॉर्म देखना. सबसे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाता है इसका फुल फॉर्म. ओके, सो इस इन्होंने इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है इसको. एंड ये बात कर रहे हैं ना यूटेलसैट क्वांटम. सो ये दुनिया की सबसे पहले कमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है, याद रखना. और ये लॉन्च हुआ है दुनिया से. ओके, ये भी याद रखना. ओके, एंड ये फुली फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डिफाइंड सैटेलाइट कह सकते हैं इसको, याद रख लो, एग्जामिनेशन में आ सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. द समग्र शिक्षा स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? सो कब तक जो है इसको किया गया है एक्सटेंड? सो 2026 हो जाएगा. सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे. इसकी लॉन्च हुआ था अप्रैल 2018 में इसका लॉन्च हुआ था. ओके, किसके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. ओके, सो ये 2021 चल रही है तो इसको और एक्सटेंड किया गया है 2026 तक, यानी और 5 ईयर्स तक इसका एक्सटेंशन हुआ है. और इसके पर्पस के बारे में बात करेंगे. क्या है इसके पर्पस? है इम्प्रूविंग स्कूल इफेक्टिवनेस, यानी स्कूल में, यानी सारे के सारे बच्चे जो भी है सारे लोग स्कूल में ज्वाइन हो जाए. ओके, और अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो स्कूल जाए. सो यही है इस स्कीम का मेन पर्पस,
याद रखना 2018 एंड थोड़ा आने की इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है ये क्वेश्चन, पर थोड़ा सा एक बार देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज एज अ डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21. सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जामिनेशन में आने की संभावना है इसका. ओके, सो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको रिकॉग्नाइज किया है डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन और 2020-21 का एकेडमिक ईयर का माना गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा चिटकारा यूनिवर्सिटी. सो वेयर इज चिटकारा यूनिवर्सिटी, आपको पता है क्या? पटियाला पंजाब में है. ओके, ये यूनिवर्सिटी. और किसके द्वारा दिया गया है ये रिकॉग्नाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल के द्वारा जो है इस रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है चिटकारा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन ऑफ द एकेडमिक ईयर. ओके, याद रख लीजिए. सो इतने ही है आज के क्वेश्चंस, होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़े क्वेश्चंस. ओके, एंड ऐसे आप बिल्कुल भी ना सोचे कि अनइम्पॉर्टेंट है. थोड़े बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आपका एग्जामिनेशन में तो नहीं आ रहे है, एग्जामिनेशन में नहीं, क्या बोला था, हाँ कुछ भी टेस्ट सीरीज में नहीं आ रहे हैं मैम, कुछ भी कहीं भी नहीं देखा. तो टेस्ट सीरीज अलग बात है, एग्जामिनेशन अलग बात है. जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तब आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना ये 45 क्लासेस में से, तो आप आके मुझसे कहो, तब मैं कुछ सोचूंगी, आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं आया. ओके, पर ज़रूर आएगा, टेंशन तो बिल्कुल भी ना लीजिए. ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन. सेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले सेशन में मंडे को इसी टाइम पे. बाय बाय एवरीवन.